दोस्तों, क्या आपको पता है पेन की रिफिल के एंड में यह जेल क्यों भरा होता है? और क्या आप जानते हैं ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों बोलते हैं? और एक ऐसा डाइवोर्स जिसके बारे में जानकर आपको मजा ही आ जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों 2007 में बहुत ही इंटरेस्टिंग डाइवोर्स हुआ था जिसको जानने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। एक घर में हस्बैंड और उसकी वाइफ रहती थी। हस्बैंड दूसरे नाम से आईडी बनाकर ऑनलाइन किसी लड़की से बात करता था और वाइफ भी दूसरे नाम से आईडी बनाकर किसी लड़के से बात करती थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उन लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से ही बात करते थे, जिसके बाद उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आप लोगों ने नॉर्मल फ्लैश लाइट तो देखी होगी जिसमें ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होती है। अब देखिए दुनिया की सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट फ्लैश लाइट, जो कि जब ऑन होती है तो रात में भी दिन हो जाता है और इसकी पावर 1,00,000 लुमिनस होती है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों जब आपको कभी हिचकी आई होंगी तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के लिए अब इस बंदे से मिले जिसका नाम चार्ल्स ऑसबॉर्न है और इनको 1922 में हिचकी आना स्टार्ट हुई थी और 68 साल बाद इनकी हिचकी बंद हुई थी। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों जो दुनिया का सबसे लंबा इंसान था रॉबर्ट वाइडलो, उसकी हाइट 11.1 फीट थी, यानी कि एक मंजिल इमारत के बराबर। और दुनिया की जो सबसे लंबी औरत थी उसकी हाइट 8.1 फीट थी। और दोस्तों ये जो फोटो आपको दिख रही है ये दोनों एक ही बंदे की है। इनका नाम एडम रैनर है और ये लंबा और बौना दोनों रह चुका है। जब ये 18 साल का था तो इसकी हाइट 4 फीट की थी, लेकिन 18 साल के बाद से इसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हुई और जब ये मरा तो इसकी हाइट 7 फीट 8 इंच थी। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों 1950 में कुछ ऐसी कार्स बनाई जाती थी जिसमें पीछे की ओर एक एक्स्ट्रा टायर दिया जाता था और ये टायर सिर्फ पार्क करने के टाइम ही निकलता था, जिसकी हेल्प से इजिली गाड़ी कहीं पर भी पार्क हो जाती थी। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आपको पता है ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों बोलते हैं? दरअसल पहले जो ऑपरेशन होते थे उन्हें ऑपरेशन रूम में नहीं बल्कि थिएटर में किया जाता था ताकि लोग उसे लाइव देख सके। इसी वजह से आज तक लोग ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों आप लोगों ने पेन की रिफिल के एंड में इस जेल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसका यूज जानते हैं। दरअसल इस जेल को रिफिल में इसलिए भरा जाता है ताकि जल्दी से रिफिल में भरी इंक सूखे ना और पेन कई महीनों तक सेफ रहे। और इस जेल का दूसरा काम इंक को लीक होने से रोकना है। देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लो। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपको यहाँ पर दो वीडियो दिख रही होंगी, उसमें से क्लिक करके एक वीडियो जरूर देखो, आपको जरूर मजा आएगा।